नगर निगम भिलाई के एमआईसी कक्ष में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। शहर सरकार की बैठक में शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा छावनी चौक में स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और अब शीघ्र अतिशीघ्र शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा छावनी चौक पर स्थापित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छावनी में आयोजित आम सभा के दौरान घोषणा की थी कि छावनी चौक पर शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिस पर तत्परता से शहर सरकार ने अमल करते हुए इस पर शीघ्रता से कार्य करने निर्णय लिया है। इसके साथ ही महापौर परिषद की बैठक में निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर अंतर्गत 7 MLD क्षमता की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, हुडको में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, नगर निगम भिलाई के नए लोगो मोनो के सृजन के संबंध में नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यावसायिक आवासीय सहित व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में तथा प्लास्टिक अवशेष प्रबंधन उप विधियों 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में उचित निर्णय लिया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा थी, जब वे छावनी मंगल बाजार में आम सभा के दौरान में उन्होंने छावनी में शहीद चुम्मन जी के याद में उनके प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इस पर जो है शहर के माननीय विधायक भिलाई नगर विधानसभा के देवेंद्र यादव जी भी जो है सक्रियता भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, और इसके बाद से जो है महापौर परिषद में इस विषय को बैठक में लाया गया था माननीय महापौर जी के पास से, और शहीद चुम्मन यादव जी की जो प्रतिमा है उसको लगाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस पर तत्परता से निर्णय लेते हुए इस पर जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, और शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रतिमा स्थापित करने का काम किया जाए।